ललित लीला में प्रवेश करो। आठ घंटे के लिए, घंटे भर के लिए राग द्वेष संघर्ष में से अपनी वृत्ति को निकालो और देखो मैं ही हूं ब्रज, मोमय बसत यह वृंदावन, मोमय यह राधा कृष्ण विपुल विहार है। हमारे ही हृदय में ब्रज है, हमारे हृदय में वृंदावन है, हमारे हृदय में जमुना जी बह रहे हैं, हमारे हृदय में गिरिराज गोवर्धन है। तो वृंदावन के वृक्ष वृंदावन स्थात सर्व सर्वे चारो मुखा स्मृता, वृंदावन के सब वृक्ष नीचे को मुख करके खड़े हैं, छुके होते हैं। वृंदावन की लताएं, वृंदावन के तरु जो हैं वो तीर हैं, वो भव सागर से पार हो गए, इसलिए वो तरु तरणा तरु जो तर गए तो तर और जा रता साय लता, जो रता है रतिमती है वही वहां की लता है। शरद ऋतु है, सायंकाल चांदनी छटकी हुई, श्री जयदेव ने कहा कैसूरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। ये जो भगवान का कुंज में विहार है, ये विहार करके भगवान अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाते हैं। यदि वृंदावन में विहार न करें भगवान तो उनकी किशोर अवस्था ही निष्फल चली जाए। क्यों किशोर बने? जब किशोर बन करके आए तो किशोर के समान क्रीड़ा भी करनी चाहिए। सो भी कैसो रक दया, विष्णु पुराण में श्लोक आया है, तो भी कैशोरक दयो मानयन अभिनंदनम, अपनी किशोर अवस्था का सम्मान किया भगवान ने। चादरी रात शीतल मंद सुगंध आये, बांसुरी बजाई, आकर्षण गोपियां आए। यदि कोई गोपी हो ना, गोपिका अपने मन के भाव को गुप्त रखना चाहती हो तो उसके मन के भाव को प्रकट करवा देना, ये तो बड़े भारी मनोवैज्ञानिक का काम है। श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया लौट जा, बस छेड़ने भर की जड़ बनती, वहां तो पहले से ही लगा लाभ भरा हुआ था मधु कलश, जैसे किसी ने महाराज रेल दिया हो और गोपियों के हृदय में जो भरा हुआ रस था वो उमड़ पड़ा। कहते हैं कि मन में क्या भरा हुआ है इसको जानने की कई युक्ति होती है। आकारई ही इंगितई ही गतिया केष्टया भाषणे न च नेत्र वक्र विकारैश्च गृह्यते अंतर्गतम मनः। मन का पता चल जाता है वो, जैसे
सकल देख के चलता है, आकार इंगित इशारे देख के चलता है, प्रत्या चाल देख के चलता है, बिस्तर लाए बिछाने को पट से पटक दे, चल रहे हैं तो धमाधम पाव पीट रहे हैं, चेष्टया भाषण न कर बोली से मन प्रकट हो जाता है, कहीं न कहीं मिठास या कड़वाहट आई है। ये लाज लगाम न मान ही नैना मोह बस नाए, ये मुहजोर तुरंगलों ऐचत ही चल जाए, आंखें नहीं मानते हैं। बड़े चतुर हैं, चतुर सरोवर को उन्होंने कह दिया कि लौट जा। गोपियों ने कहा कि हमारा सर्वस्व तो लूट लिया और अब कहते हो लौट जा। अच्छा अच्छा गोपियों, तुम्हारे मुंह में घी कट्टर, तुम्हारा सर्वस्व लुट गया ना, लुट गया ना सर्वस्व, तो ठीक है सर्वस्व हमारे पास रहने दो, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम लौट जाओ। बोले कि अब तो मन वहां लगता ही नहीं महाराज। अच्छा नहीं लगता है मन, तो ठीक है मन ना लगे तो ना लगे, घर का कर्तव्य तो पालन करो, वहां के जो कृत्य हैं, इति कृत्य इति कर्तव्य जो तुम्हारे हैं, ये करना ये करना ये करना, एटिकेट के साथ घर में रहो, इति कृत्य बोलते हैं संस्कृत में, इति कृत्य क्या बेवकूफी का काम करते हैं। तो महाराज पांव ही जम गए, धरती छोड़ के हटते ही नहीं है यहाँ से। बोले अरे ये ब्रज है, तुमने नहीं सुना कभी, इस धरती का नाम ब्रज है, ब्रज यहाँ तो ब्रज ब्रज बोलना ठीक ही है, जाओ जाओ और यही यहाँ बोलना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, आखिर हम जाए तो कैसे जाए, और घर पहुंच भी जाए किसी कदर आप कंधे पर रख रख के पहुंचा दो, ऐसा भी होता है, हमारे मल्लाह होते हैं ना, तो नाव के सामने जब पानी होता है, कीचड़ होती है गंगा जी में, तो हमारे प्रेमी मल्लाह आके दोनों हाथ लगा के उठा लेते हैं, और यदि हम वजनदार हों ज्यादा तो छाती से चिपका लेते हैं हो, और जोर लगा के उठाते हैं और उठा के अपने नाव में ले जाते हैं। तो महाराज हमारे पांव तो नहीं चलते हैं, कहीं तुम कंधे पर लाद के या छाती पर उठा के हमको ब्रज में पहुंचा भी दो, तो वहां पहुंच के हम करेंगे क्या, हमारे लिए तो कुछ होता है तो न हमारा शरीर साथ देता है, न मन साथ देता है, न बुद्धि साथ देती है, अब हमको तो कुछ नहीं सूझता है, करें तो क्या करें, किम करवाम किम्बा, हम करें तो क्या करें। तब कृष्ण ने कहा कि अच्छा गोपियों, तुम्हें जब अपना कर्तव्य नहीं सूझता है तो आया तुम मार गए हो, रास्ते पर आ गई, अब हमसे जो कहो सो हम कर दें। गोपियों ने कहा यथा अब हम बताते हैं सोचो, सिंचांगन स्वदधरा मृत पूर केण हासावलोक कल गीत जहिच्छया नो चेद वयम विरह जागुपयुक्त देहा जाने न जाम पदयो हो पदवीं सके सिंचांगनस्त्वदधरा मृतपूरकेण हासावलोक कलगीतज हृत्पयाग्निः। था प्यारे श्याम सुंदर, एक बात अगर किसी से भूल हो जाए और किसी के घर में आग लगा दे तो वो आदमी कैसा, तो श्याम सुंदर तो बोलते नहीं हैं और तो बड़े गंभीर बने खड़े हैं, तो गोपियों के मन में श्याम सुंदर उनकी आंख के सामने प्रकट हुए और बोले कि गोपियों इसमें क्या पूछना, जो कहीं आग लगा ले वो बहुत बुरा, तो ठीक है आपका न्याय ठीक है, तो अच्छा अगर आग लगा दे तो, और उसके बाद अगर उसको भगवान बुद्धि दे दे तो क्या करना चाहिए। बोले आग बुझानी चाहिए। तो बोले जी गोपियों क्या बात हुई, कहीं ब्रज में आग लगी है, क्या हुआ है, किसने लगाई है, मैं तो आग को पी जाऊं, हमारा मुंह ऐसा है कि मैं आग को पी जाऊं, अपने प्रेमियों के भले के लिए मैं आग तक पीने के लिए तैयार रहता हूं, या है ना ब्रज में तो दो बार आग पी, अपने प्रेमियों के सुख के लिए, रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए मैं तो आग पीने तक को तैयार हूं, कहां आग लगी है बताओ तो, और किसने लगाई है। तो गोपियों ने कहा कि महाराज तुमने लगाई है। अरे गोपियों झूठ बोलते हो,
मैं आग लगाने का काम करता हूँ, कहाँ लगाई है, हम इतनी गोपियां गवाह हैं, कहाँ लगाई है, कहित अग्नि हमारे दिल में लगाई, तुम्हारे दिल में आग लग गई और हमने लगाई, तो मैंने कैसे लगाई, हमारे पास दिया सलाई नहीं है, कोई आग का अंगार नहीं है, हम भला कैसे आग लगाएंगे। तो भी तुम्हारे स्त्री विग्रह में जो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, अपने प्रेमी के हृदय में कोई आग लगाया करता है? बोले हाँ महाराज लगाई है। कैसे लगाई है? लगाई है आसावलोक कल गीत जयाग्नि। पहले आपने चितवन का ईंधन डाल दिया, चितवन से ईंधन डाल दिया और मुस्कान से उसमें घी डाल दिया, और ये बांस की जो नली तुम्हारे मुंह में है ना, इससे फूंक फूंक के तुमने आग तो हमारे हृदय में थी पहले से, लेकिन उस आग में तुमने घी डाला, तुमने ईंधन डाला, और ये जो बांस की मसूरिया है, नली है, आतावलोक कल गीत जयाग्नि। मुस्करा मुस्करा कर, प्रेम से देख देख कर, और बंसी के द्वारा कल गीत मधुर अस्फुट कलमतु मधुरेश फुटे, मधुरास फुटे कल माने बच्चे बोलते हैं ना, तो इनकी बोली को तोतली बोली को संस्कृत में बोलते हैं कल, कल बान कल वचन। और श्री कृष्ण का जो मंत्र है उसमें क ल ये दोनों अक्षर हैं, और काम का जो मंत्र है उसमें भी क ल दोनों अक्षर हैं, और सरस्वती का जो मंत्र है उसमें भी क ल दोनों अक्षर हैं। तो आपने ये जो अपनी बंसी के द्वारा मधुर और अस्फुट ध्वनि में प्रेम संगीत गाया, ये संगीत नहीं था, बांसुरी जैसा बाजा दुनिया में और कोई नहीं, कई बाजे हैं जो पीटने के बाद बजते हैं, नगाड़े पर बोल महाराज लकड़ी पीटो, भौंसे को पीटो, सब बजते हैं, कोई बाजे ऐसे होते हैं कि उनको आपस में लड़ाओ, किनमिन किनमिन करते हैं सब वो बाल को, कोई ऐसे होते हैं कि रगड़ो उनको, संधु बाद जो होते हैं सब बजते हैं। ये बांसुरी जो है ये प्राणों का वाद्य है, सुशीर वाद्य बोलते हैं, अपने प्राणों से बांसुरी बजाई जाती है। तो तुमने ये संगीत मधुर मधुर, और सब गोपियों को यही मालूम पड़ता था कि तुम उसी का नाम ले रहे हो, अस्फुट होने से मधुर अस्फुट है, तो तुमने मुस्करा मुस्करा के मुस्कान का घी डालकर, घी भी सफेद मुस्कान भी सफेद, और अवलोकन का ईंधन डालकर, चितवन का ईंधन डालकर, और कलगीत अपने प्राणों के वायु से, संगीत से, प्रणय गीत से फूंक फूंक कर हमारे हृदय में जो सोती हुई आग थी उसको तुमने भड़का दिया है, तुमने आग लगाई है। ईश्वर करे तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, किसी के दिल में आग मत लगाया करें, किसी के हृदय में आग मत लगाया। अरे बाबा हमको तो ऐसे लोग कह देते हैं कि हमको आपने ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों कर दिया, ऐसे कह देते हो, धमका देते हैं हमको ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों कर दिया, हमको सदाचार के मार्ग पर क्यों चला दिया, ऐसे हमको सत्संग में क्यों लगा दिया, नहीं तो हम अपने संसार का सुख भोगते, मौज में रहते, क्यों इस रास्ते सब चला गया। ब्रजवासी बोलते हैं हम गोविंदाख्याम हरितनु में तक ऐसी पतंग से माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सके बंधु संगेस्ति रंगा, मेरे प्यारे दोस्त यदि तुम संसार का सुख भोगना चाहते हो, अपने कुटुंब परिवार का आनंद लेना चाहते हो, तो वृंदावन कभी मत आना, या वृंदावन आना भी हो जाए तो केसी घाट की ओर कभी मत जाना, और केसी घाट की ओर जाना भी हो जाए कभी तो गोविंद जी का दर्शन मत करना। यदि तुम अपने संसार का घर द्वार का परिवार का सुख चाहते हो तो मातृक्षिष्ठास्तव यदि सके बंधु संगेस्ति रंगा, गोविंदाख्याम हरितनु मित मत देखना। देखो महाराज अब तक जो किया तो किया, अब ऐसे किसी के दिल में आग मत लगा। कृष्ण ने कहा अरे गोपियों
क्षमा करना, गलती हो गई। अच्छा गलती हो गई, अच्छा मानते हो गलती हो गई, ठीक है अपनी गलती मानते हो, कहाँ मानते हैं। तो बोले देखो तभी आग बुझाओ तब सिद्ध हो कि ये गलती तुमने मान ली है। अगर गलती से किसी को आग लगा दी जाए तो समझ आने पर उसको बुझाना तो चाहिए ना। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। और जमुना जी कह रही है बाल्टी का बाल्टी पानी ले आता हूँ, है ना। और अभी फायर ब्रिगेड मना, साधक बाधक भाव जो होता है वो समान सत्ता में है। विचार सागर में ऐसे कहा है आपस में समसत्ता जिनकी, लेकिन साधक बाधक बातें नहीं। सपने में प्यास लगती है तो जागृत में चाहे पानी में रह रहे हो परंतु नहीं बुझेगी, और जागृत में प्यास लगे तो सपने में गंगा जी देखो तब भी नहीं बुझेगी। वो तो जिस सत्ता में दुख होता है उसी सत्ता में उसका निवारक होता है। तो ये जो तुमने आग लगाई है वो अगर छप्पर में लगी होती, गांव में लगी होती, कहीं जंगल में लगी होती, शरीर में लगी होती, कपड़े में लगी होती, तब तो वो बाल्टी के पानी से या फायर ब्रिगेड से वो बुझ जाती। वो आग तो भीतर लगी है ना, तो उसको बुझाने के लिए भीतर का ही साधन चाहिए। ऐसी चीज से वो बुझेगी जो भीतर पहुंचे उससे बुझेगी। आसावलोक कल गीतज हृदयाग्नि, बोले कि कैसी बुझेगी सो तो बताओ। बोले सिंच दरवाजा सींच दो। ये भी स्त्री भाषा है, इसको सब लोग नहीं समझते। कहना है बुझाओ और बोलती है सिंच सींच दो। ये क्या करे, और बढ़ा दो और बढ़ा दो, इस आग को और बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना है, सींच दो इसको, सींच दो कि जल्दी हम जल मरे हैं, जिंदा क्यों हैं। देखो चाहती है क्या, चाहते हैं रस, चाहते हैं अमृत, और बोलते हैं कि आग को सींच दो। तो अग्नि का रूपक है ना, इसलिए यहाँ सिंच का अर्थ सींच दो का, सींच दो नहीं होगा, निर्वाप है विभाग। सिंचांग नस्वदधराभृत पूर्वकेण, हमें सींच दो, हमें तर कर दो, हमें तृप्त कर दो, हमें ऐसी ठंडी कर दो कि उस आग का असर ना पड़े। तो सब गोपियों बताओ जमुना जी के जल से बुझेगी नहीं, तो क्या हम बादल बन के तुम्हारे ऊपर बरसें, कैसे बुझेगी तुम्हारी आग। गोपियां समझ गए ये हमारे दिल की बात हमारे मुंह से निकलवाना चाहता है। अच्छा भाई लो यही सही, विवशता है मजबूरी है, बोलने पड़ेगा। बोले ये क्या विवस्था, बोले यही प्रेम का रस। असल में प्रेम माने क्या, मधुरम वैवस्यम, प्रेमा नाम मधुरम वैवस्यम, मधुर विवशता को प्रेम कहते हैं। लोगों ने प्रेम की बहुत बहुत परिभाषा की है, हृदय में कठोरता न रहे, कोमल हो जाए, सम्यक मसृण तत्वांतो ममत्वातिशयांकितः, अतिशय ममता की मुहर लग जाए, भाव गाढ़ा हो जाए, इसका नाम होता है प्रेम। ये श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने प्रेम का ये रखी है। सम्यक मसृण तत्वांतो ममत्वातिशयांकितः भावस्व सांद्रात्मा गुहैः प्रेमानि गद्यते। प्रेम क्या, हृदय में कठोरता न हो, कोमलता हो। जब दुनिया की चीज में ममता होती है तो उसको हाथ से जैसे रुमाल पकड़नी पड़ती है, वैसे दिल से उस चीज को पकड़ना पड़ता है। तब संसार की वस्तु को पकड़ने के लिए, ममता मोह रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हृदय को कठोर बनाकर उसको पकड़ना पड़ता है। और जब दुनिया की पकड़ छूट जाती है तो हृदय सहज सरल निर्मल कोमल हो जाता है। अब उसमें प्यारे की शकल डालो, उस गले हुए हृदय को प्यारे के सांचे में ढाल दो, और ढाल कर उसमें ममता, गाढ़ी ममता, सांद्रात्मा, गीला गीला न रहे नहीं तो शकल फिर बिगड़ जाएगी। शीशे को गलाओ पहले, उसमें जो रंग है उसको जला दो, उसमें जो कठोरता है उसको मिटा दो, और उस गले हुए हृदय के मसाले को प्यारे की शकल के सांचे में ढाल दो,
और ढालने के बाद फिर उसको कड़ा कर दो। कठोरता संसार की वस्तु को लेकर न हो, अपने प्रियतम को लेकर हो। तो ये जो गाढ़ा भाव है, सांद्रात्मा जो भाव है, उसको कहते हैं प्रेम। काले नावरणात्ययात् परिणते यत्स्नेह सारे सुखम्। भद्रम प्रेम सुमानुषस्य कथमस्येकं विभत्प्राप्यते। प्रीतम सुख दुःखयोः। प्रेम सुख और दुख में दो तरह का नहीं होता, एक ही तरह का रहता है। सभी अवस्थाओं में अपने प्रियतम के अनुकूल रहता है। किनारा कौन सा? बोले भाई जिस किनारे तुम, उस किनारे में। हमको गांव से लेना देना क्या? जो तुमको भाता है सो मुझको भाता है। अनुगुणम सर्वास्वस्था सुजत विश्रामो हृदय से यत्र। हृदय में विश्राम मिलता है। जरसा यस्मिन नहार्यो रसा। वृद्धता से, वृद्धावस्था से रस में कमी नहीं होती। जितनी जितनी निकटता होती है उतना उतना पर्दा मिटता जाता है। और स्नेह के सार में, दूध में से जो मक्खन निकलता है, दही निकलता है, घी निकलता है, उसमें रहता है। क्या कल्याणकारी! बोले ये स्नेह सार में स्थित प्रेम, इसको भी दो तरह का मानते हैं, एक घृत प्रेम, एक मधु प्रेम। घृत प्रेम में अपना स्वाद नहीं होता है। घी तो घी है, उसमें नमक मिला दो तो नमकीन, और उसमें मिठास मिला दो तो मीठा। घृत प्रेम में अपना स्वाद नहीं होता है, कभी जम जाता है तो कभी पतला हो जाता है। और मधु प्रेम जो है उसमें अपना स्वाद होता है, और वो जमाई रहता है, गाढ़ा ही रहता है, वो कभी पतला नहीं होता। ये मधु प्रेम बोलते हैं, मधु प्रेम। घृत प्रेम, मधु ऐसे होता है। एक होता है कुसुंभ राग, एक होता है नीली राग, एक होता है मांजिष्ठ राग। ये प्रेम के भेद हैं। कुसुंभ राग होता है, कच्चा रंग होता है, देखने में बहुत चमकता है, परंतु एक बार जहां पानी पड़ा कि भुला, ये कच्चा राग है, वो कच्चा रंग है। एक नीली राग होता है, वो बहुत दिन तक रहता है पर धीरे धीरे भूलता है। और एक मांजिष्ठ राग होता है, मजीठे का रंग, वो एक बार चढ़ गया तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता। तो प्रीति की रीति निराली है। आली प्रीति की रीति निराली, प्याली भरे न खाली है। वो ब्रज का है। आली आली माने सखी, सहेली। आली प्रीति की रीति निराली, प्रीति की रीति निराली है। प्याली भरे न खाली है, प्यास बुझती नहीं है, प्यास बुझती नहीं है। और तृप्ति, तृप्ति मिलती जाती है और प्यास बुझती नहीं है। ऐसा ही है। सींच दो, सींच दो। काहे से सींचे? वदधरा मृत पूरके। कहते हैं कि ये जमुना जल से बुझने वाली आग नहीं है, ये कुएं के पानी से नहीं बुझेगी, ये वर्षा के पानी से नहीं बुझेगी। तुम हो कृष्ण मेघ, और चाहे तो रस वर्षा भी कर सकते हो, पर उससे भी नहीं बुझेगी। बाहर वाले रस से नहीं बुझेगी, भीतर वाले रस से बुझेगी। ये भीतर वाला रस क्या होता है? वो जल कौन सा है गोपियो जो भीतर जाए? बोले त्वदधरा अमृत पूरके। एक होता है धरामृत और एक होता है अधरामृत। धरामृत माने जो धरती पर अमृत हो, उसको तो धरामृत, तो धरामृत है। आम में भी अमृत है, अंगूर में भी अमृत है। दधि मधुराम, मधु मधुरम, द्राक्षा मधुरा, सीता भी मधुर है। वह तस्य तदेव हि मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। दही मीठा है, मधु मीठा है, अंगूर मीठा है, शक्कर मीठी है, परंतु बाबा जिसका मन जहां लग जाता है उसके लिए वही मीठा होता है, वही मधुर होता है। तस्य तदेव हि मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। हमको तो महाराज अमृत चाहिए, अमृत से बुझेगी ये आग। अमृत से बुझेगी गोपियों, तो क्या अब तुम्हारे लिए अमृत लेने के लिए हम स्वर्ग में जाएं? राम 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 राम। तो धरती में कहां अमृत मिलेगा गोपियों? तो बोले नहीं नहीं, धरती का अमृत हमको नहीं चाहिए। अच्छा, तो शायद ब्रज में किसी के घर में सीसी वीसी में रखा हो, ले आए एक आध बूंद।
अर्जुन देवताओं के घर में घड़े में रखा है अमृत का कलश, वही उठा के ले आए। बोले नहीं नहीं, वो भरे हुए अमृत से काम नहीं चलेगा, किसी में रखा हो चाहे कलश में रखा हो वो नहीं चाहिए, धरती का अमृत नहीं चाहिए। कौन सा अमृत चाहिए? अधरामृत चाहिए। उपयोग कहां से लावे? बोले स्वधरामृत, तुम्हारा अधरामृत चाहिए। मैंने इसमें व्यंग ऐसे समझो कि अच्छा तो लौट जाओ ना अपने घर, जिसका ब्याह न हो उसका ब्याह करवा देंगे, और जिसका ब्याह हुआ हो उसको अपने पति का अधरामृत मिल जाएगा। तब बोले नहीं नहीं, स्वधरामृत पूरे देना, हमको ऐसा ऐसा अधरामृत नहीं चाहिए, हमको तो तुम्हारा चाहिए, तुम्हारा अधरामृत चाहिए। बोले अच्छा गोपियों, हम निकाल के थोड़ा थोड़ा देते हैं तुम लोगों को। नहीं महाराज, थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए, पूरा केड़ा, उसकी तो बाढ़ आनी चाहिए। हम जितना चाहें उतना, जब तक हमारी आग न बुझे तब तक तुम्हारे अधरामृत को हम पीती जाए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, पूरा केड़ा, उसका तो प्रवाह चाहिए, धारा चाहिए, उसकी तो बाढ़ चाहिए। बोले बड़ी लालची होगी, बड़ी तृष्णा है तुम्हारे मन में। नहीं, ये हमारी तृष्णा नहीं है, ये तो हृदय अग्नि, ये अग्नि की प्रबलता है। आग इतनी जोर से लगी है, इतने जोर से आग लगी है कि थोड़े थोड़े अमृत से वो बुझ नहीं सकती। उधर धरा अमृत पूरक, बोले ग्वालिनो, तुम हमको तो कह देती हो कि तुम गाय के चरवाए रस की बात क्या समझो, और तुम गांव की गुहार ग्वाले, ऐसी चीज कहीं मानी जाती है? तो बिल्कुल रसाभास हो गया, एक काम या जा सके तो कहीं ऐसी चीज मांग मांग के पी जाती है? अरे जिसको पिलाना होता है उससे स्वयं पिलाए बिना जब बढ़ जाता है उसके हृदय में, और उसके हृदय में जब प्रेम का रस बढ़ जाता है तो वो खुद ही पिलाता है कि ये कोई मांगने की चीज है? उधार लेके मांगनी लेके इससे काम चलता है, क्यों मांगते? बोले नहीं महाराज, हम मानती नहीं है, ये तो आशावलोक कल गीतज हृदयाग्निम, आग इतनी प्रबल हो गई है कि अब मांगे बिना रहा नहीं जाता है, इसमें भी बिगड़ता है। लो, एक गोपी बड़ी चतुर है, उसने कहा तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि बिल्कुल मूर्ख ही हो, मूर्ख राज। देखो प्रेम में ऐसी गोली चलती है, वो प्रेम में सब तरह की गोली चलती है। मन ही मन तुम अपने को जो कुछ कह सकते हो वो अपने प्यारे को भी कह सकते हो, क्योंकि जितना अपना अपना आत्मा है उससे ज्यादा अपना अपना प्रियतम है। जो अपने को बोल सकते हैं, मन ही मन हम अपने को कभी कहते हैं ना, चलो देखो ना हमारी मूर्खता क्या करी हमने, सचमुच भाई मैं तो बेवकूफ हूँ, मूर्ख कहाँ गई हूँ, अपने आप को बोल देते हैं कि नहीं? कहाँ, बोल तो देते हैं। तो जब अपने को ऐसा बोल देते हैं तो जो अपने का भी अपना है, अपने आत्मा का भी अपना है, तो क्यों नहीं बोल सकते? बोले कि नहीं, तुमने संस्कृत वंस्कृत किसी से पढ़ी नहीं है, तुमको भाषा मालूम नहीं। चिंतांगन स्वधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत हृदयाग्निम, न हासावलोक कलगीत हृदयाग्निम, स्वधरामृत पूरकेण इव चिंत। हम लोगों की मुस्कान देख के, चितवन देख के, हम लोगों का मधुर 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 संगीत सुन के जो तुम्हारे हृदय में कामाग्नि का उदय हुआ है उसको अगर बुझाना है तो हमारी ओर क्यों देखते हो? चाट लो अपना हो, हमारी ओर बुरी नजर से मत देखना कभी, क्या समझते हो? ओ महाराज, चिंतांगन स्वधरामृत पूरकेण, स्वधरामृत पूरकेण, स्वाधरामृत पूरक है। आग लगी है तुम्हारे हृदय में, हमको देख करके, हमारी मुस्कान देख के, चितवन देख के, हमारा संगीत सुन के तुम जब मुग्ध हो गए हो और तुम्हारे कलेजे में आग लगी है तो इधर मत देखना, अपने ही होश चाटो और उसी से उसको सींचो, उसी से उसको बुझाओ। चिंतांगन स्वधरामृत पूरकेण, दूसरी गोपी ने कहा अंग प्यारे सखे, तुम तो हमारे सखा, ये प्रेम की प्यार है। कोई चतुर में हो गोपियों में, कोई नित्य सखी है,
कोई कृपा सिद्ध है, कोई साधन सिद्ध है, कोई मुग्धा है, कोई अज्ञात जोगना है, कोई माननी है, तो वाक्य तो एक ही है, परंतु कई गोपियां एक साथ जो उसका उच्चारण करती हैं, तो उनके मन में अपने अपने संबंध के अनुकूल भाव का उदय होता है। इसलिए अर्थ की अनेकता में भी कोई असंगति नहीं है। सिंचांगन स्वदरा मृतपूर्ण इतनी व्यग्र हैं कि पहले क्रियापद का ही उच्चारण करते हैं, सिंच सिंच, फिर संबोधन करते हैं, अंग हे क्या सींचे गोपी का, न आसमान हमको सींचो, स्वदरा मृत पूरकेण हासावलोक कलगी तजर छयाग्नि नोचेत। और नहीं महाराज, मुंह से नो नो निकलने की आदत पड़ गई, नो चेत। बहुत बड़े आदमी हैं दुनिया में, बड़े आदमी माने जाते हैं, मशहूर लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम बड़े हैं, पैसे का बड़प्पन अपने ऊपर आरोपित कर लिया। उनकी क्या आदत है, आदतम अभ्यास करके उन्होंने अपनी आदत बना ली है। कोई भी अच्छी से अच्छी बात कहो, बोलो गंगा जल बड़ा पवित्र है, फिर बोलेंगे कि ये तो विज्ञान से भी सिद्ध हो गया कि गंगा जल से पवित्र और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तब नहीं नहीं क्यों किया, अब उनसे कोई पूछे तो कोई पूछता नहीं है। तो ये महाराज किसी किसी की आदत ही होती है कि उसके मुंह से हाँ निकलता ही नहीं, नेति नेति निकलता है। वेदांती होगा तो क्या बोलेगा, नेति 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 नेति। प्रेम में भी नेति नेति है और वेदांत ज्ञान में भी नेति नेति है। दो मार्ग हैं, एक ओम नेति और एक नेति। ओम का जप करो, ब्रह्म में परिनिष्ठित हो जाओ, और नेति नेति करके अन्य का निषेध कर दो, ब्रह्म में परिनिष्ठित हो जाओ। तो प्रेम में भी दोनों बात है, नेति नेति है परंतु अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। वहां ना की जो ध्वनि है निषेध अर्थ नहीं है, वहां ध्वनि है। क्या ध्वनि है, वाच्य का अत्यंत तिरस्कार हो गया। वहां ना का मतलब ना नहीं है, हाँ है। ये प्रेम की बोली है, नेति नेति। नोचे कृष्ण, तुम कह रहे हो कि नहीं, ये तो बोलना नहीं। अरे हम समझते हैं, नोचे वयम विरह जाग्न्युपयुक्त देहा ज्ञानी निजाम पदयो हो पदवी। यदि तुमने कहीं कह दिया कि नहीं, हम अधरामृत पूरक के द्वारा तुम्हारी आग नहीं बुझावेंगे, तो अभी तो एक ही लगी है, एक दूसरी हम और लगा लेंगे। एक आग से जल्दी नहीं जल मरती है, तो दूसरी आग और लगा लेंगे। विरह जाग न्युपयुक्त देहा, विरह जन्य अग्नि। अभी तो हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि है, अब हम विरहाग्नि जगाएंगी। विरहाग्नि का भस्म, विरहाग्नि लगाएंगी, विरहाग्नि। क्यों ऐसा भला क्यों करोगी गोपी? तो महाराज हम लोगों का देह इसी के उपयुक्त है। विरह जाग न्युपयुक्त देहा, विरह जाग्नि के उपयुक्त है देह जिनका। ये हमारा देह, ये हमारा देह अगर तुम्हारे अधरामृत के सिंचन करने योग्य नहीं है, तो ये विरह की आग में जला देने लायक है, ये जिंदा रखने लायक नहीं है। विरह जाग न्युपयुक्त देहा, ये देह मिला है किस लिए, कहिए, भगवान के काम आवे। यदि भगवान के काम नहीं आता है ये देह, तो ये मरा किस काम, ये देह किसके लिए उपयुक्त है? बोले विरहज अग्नि के लिए उपयुक्त है। एक हृच्छयाग्नि है और एक विरहज अग्नि है। दूर दूर से तो तुमने हृच्छयाग्नि जगाई, और अब जब तुम्हारे पास आई तब विरहज अग्नि जगा रहे। अरे गोपियों, जिंदा रहो तो सब कुछ मिल सकता है, और विरह की आग लगा करके अगर मर मिटोगी तब तुमको क्या मिलेगा? जीवन मरो भद्र सतान कर सके। अगर मनुष्य जिंदा रहे तो उसके जीवन में मंगल के कल्याण के अनेक प्रसंग आ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक कई बार आया है, कल्याणी वत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति में,
एति जीवंतमानंदो नरम वर्ष सता गति। ये लोकोक्ति ये कहावत हमको बहुत कल्याणकारिणी मालूम पड़ती है कि यदि मनुष्य जिंदा रहे तो 100 वर्ष के बाद भी कभी न कभी उसके जीवन में आनंद आवेगा। मरने का संकल्प तो निर्बलता का द्योतक है, मरने से तुमको क्या फायदा होगा? मर जाओगे तो क्या मिलेगा? तो गोपियों ने कहा कि मरने से एक फायदा है कि हम ध्यान करते हुए मरेंगे, ये तो पक्का ही है। और इसमें हमको कोई अहम भावना नहीं है कि सिवाय तुम्हारे ध्यान के दूसरी कोई चीज हमारे हृदय में नहीं है। और ये तो तुम भी जानते हो, अंते जा मति सागति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। सदा तद्भाव भावित अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति मद्भाव जाति नाश। अंत जा मत सागति, तुम्हारा ध्यान करके हम मरेंगे, तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। एक गोपी ने जो समझदार थी ना, वो जानती थी कि ये तो श्री कृष्ण ने विपरीत धर्म अपना लिया। नाना बोलना चाहिए था हमको और विनती चरौरी विनती करनी चाहिए थी उनको, लेकिन हम चरौरी विनती कर रहे हैं और वो नाना बोल रहे हैं। दाम में हमारा धर्म है उसको श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, और दाक्षिण्य श्री कृष्ण का धर्म है उसको हमने स्वीकार कर लिया, तो हो गया विपरीत। तो उसने कहा अच्छा कृष्ण, अगर ध्यान करते करते हम मर ही गए तो क्या होगा? उसके फल पर चिंतन करो थोड़ा। हम सब गोपियां तुम्हारा ध्यान करते करते ऋक्षयाग्नि से कामाग्नि से विरहजाग्नि से जलकर मरेंगी तुम्हारा ध्यान करते करते, तो ध्यान करके हम सब कृष्ण हो जाएंगी। 16,000 कृष्ण मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर ब्रज नव युवराज हम बनेंगी। और इतनी गोपियों को ध्यान करके मरते देखकर तुमको क्या हमारा ध्यान नहीं आएगा? और हमारा ध्यान आएगा तो तुम गोपी बन जाओगे और हम 16,000 रूठेंगी और तुम बनाओगे। मनाते मनाते परेशान हो जाओगे, बड़ा दुख तुमको उठाना पड़ेगा। हम तो तुम एक तो मनाने के लिए व्याकुल हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं। ध्यान न जान पदयो पदवीम सके थे अथवा पदयो पदवीम मोक्षम। अब बस महाराज, अब हम आपको नहीं चाहते, बस न तो क्या चाहती हो गोपियों? तो बस हमको बैकुंठ भेज दो, पदयो पदवी भेज मत, तो हम चले जाते हैं बैकुंठ में चले जाते हैं। अच्छा गोपियों धमकाती भी हो, क्या नहीं नहीं हम बैकुंठ में भी नहीं जाएंगे। तब पदयो पदवी मोक्षम तलाक, बिल्कुल मोक्ष में तलाक होता है, छोड़ दिया हमने। विरह की आग लगा करके अपने शरीर में क्यों मर रही हो? अब बस बस अब हो गई बात, पूरी हो गई। ध्यान न जाम पदयो पदवी सके थे, आज तो हम गलती से तुम्हारे पास आ गई तो आ गई, लेकिन मर जाएंगी तो ध्यान न जाम, ध्यान में भी हम नहीं जाएंगी तुम्हारे पास, कभी तुम्हारी याद भी नहीं करेंगी, नाम भी नहीं लेंगे, तुम्हारे पास आएंगे भी नहीं। वो जो बड़ी मुंह लगी थी, तुम ये आशा मत रखना कि शरीर से गोपी मिलेगी, हम तो अब तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम्हारी याद नहीं करेंगे। हम कह दिया तनो चेत वयम विरह जाग नुपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो हो पदवी सके थे। अरे हमको मालूम है तुम्हारे विरह में कई मर गए, विरह जाग नुपयुक्त देहा ताह या स्वद विरहे मृता सा, जो तुम्हारे विरह में मर चुकी हैं, घर वालों ने रोक लिया मर गई, बोले हम तुम्हारे चरणारविंद में पहुंचे हैं इसकी तो बात ही क्या। हम ऐसा ध्यान करेंगी, ऐसा ध्यान करेंगी कि उन मरी हुई विरहिणियों को भी लेकर के नयामा तुम्हारे चरणों में लाकर डाल देंगी। अरे हम तुम्हें पा सकती हैं, इसको तुम क्या मना करते हो? हम मुर्दे को जिंदा करके और तुम्हें मिला देंगे। हमारे ध्यान में वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है हमारे ध्यान में। तो इसलिए सखे, ये कृष्ण के लिए संबोधन है, अंग सखे प्यारे मित्र प्यारे बंधु, बंगला में बंधु बोलते हैं,
जो स्नेह से तर कर दे, देखो कि सिंचांग है, सिंच है प्रारंभ में शिष्य और सखे है बाद में। ज्ञानेन याम पदयो पदवीं सखेते, समान आख्या श्रुति झूठी हो जाएगी, क्योंकि हम और तुम समानाख्याम हैं। सख्य माने जिसकी ख्याति समान हो, जैसे राम लक्ष्मण, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन, इसको सखा बोलते हैं। कृष्ण उद्धव, दोनों का नाम जहां साथ साथ लिया जाता हो ना, उसको सखा बोलते हैं। सहाख्यान का नाम सखा है। बोले श्रुति, गोपी जन बल्लभ बोलते हैं कि नहीं? कहां बोलते हैं, तो तुम्हारे नाम के साथ बल्लभ कैसे जुड़ा? अगर गोपी जन न हो तो तुम बल्लभ किसके हो? बल्लभ में जो गोपी जन जुड़ा हुआ है, गोपी बल्लभ, गोपी जन बल्लभ, राधा कृष्ण जुड़ा हुआ है। ब्रज में बोलते हैं कि यदि राधा के नाम का रकार राधा कृष्ण में न हो, रेप न हो, तो आधे कृष्ण आधे कृष्ण आधे कृष्ण कहते हो। कृष्ण को कोई कृष्ण नहीं कहता, आधा कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं, आधा कृष्ण। दुनिया में कहीं कुब्जा कृष्ण नाम सुनने को मिला है? अरे हमारे नाम से गोपी कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, तुम्हारे नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा है। यदि तुम हमें छोड़ दोगे तो हमारे सखा कैसे रहोगे? अंग, तुम यदि अंगी को जल जाने दोगे तो अंग कहां से रहेगा? यदि अंगी ही नहीं रहेगा तो अंग कहां से रहेगा? तो तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना तुम नहीं रह सकते, हमारे नाम के बिना तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे नाम के बिना हमारा नाम नहीं। कहा था प्यारे, सिंचांगन स्वद धरा मृत पूर के आसावलोक कल गीत जर छयाग्नि नोचेद वयम विरह जाग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते।